हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताऊंगी क्लास 12th में केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपके आंसर के साथ क्वेश्चंस लिखे हैं, सो आपको भी हेल्प हो जाएगी और थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके डेली मैं आपके लिए डालूंगी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप डेली वीडियो को देखें और डेली के डेली साथ के साथ लर्न करते चलें। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अणुसंख्या गुणधर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। अणुसंख्या गुणधर्म क्या है? किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज वीडियो लाइक कर दें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है और मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आदर्श विलयन को परिभाषित करें। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। सो इजी लैंग्वेज में है काफी, आप इनको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं और साथ साथ याद करते हुए भी चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज डेली क्वेश्चन सब रिवीजन स्टार्ट में कुछ टाइम बाद कर ही दूंगी, अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाल रही हूँ, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने नोट पैड पर नोट करते चले और लर्न करते चले। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है फ्रेंड्स ये, तो आप इसको जरूर याद कर लें। एक अर्धशैल में 298 केल्विन ताप पर एक मोल सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, फेराइडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें। किसी विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच, क्या? मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फेराइडे के संबंध दिया दिया जिसे फेराइडे के विद्युत अपघटीय का नियम कहते हैं। ये भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।